दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रधानमंत्री का जेपी नड्डा ने किया स्वागत। पीएम ने भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी का किया दौरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन पहुंची, राहुल गांधी ने किया रोड शो, कहा देश से नफरत खत्म कर मोहब्बत फैलाना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा हमने इंडिया गठबंधन को बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन गठबंधन में कोई किसी को समझने को तैयार नहीं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गिरा पंडाल, हादसे में 8 लोग हुए जख्मी, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। और दिल्ली के पटेल नगर में मालगाड़ी पलटी, 8 डब्बे पटरी से उतरे। नमस्कार, शिमाका लोक टीवी में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ वैष्णवी पंचोली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में है, मेरी उनसे बात हुई है, वे छिंदवाड़ा में है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, वे उस समय उनके साथ खड़े थे जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी। उनसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वे सोनिया गांधी के परिवार को छोड़कर जाएंगे। देख सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। नर्मदा जयंती के मौके पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कोटी तीर्थ कुंड पर नर्मदा जयंती उत्सव मनाया गया। हर साल की इस साल भी मंदिर परिसर को सजाने के लिए दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान कोटी तीर्थ कुंड पर 11 ब्राह्मणों द्वारा लघु रुद्र अभिषेक किया गया, जिसके बाद आरती में महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज, मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा, पंडित अशोक शर्मा समेत कई लोग उपस्थित हुए। वहीं आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। हाँ,